Hi everyone, it's been a while. I've been very sick, extremely sick. इस साल की 22वीं बार मेरी बीमारी, I don't know how to put it into words. मैं इस साल 22 times I've been sick. It's like too much. This is going to be a very good year. Very good. You and I know you about that life. It's been a good year and a terrible year at the same time. It's been very turbulent. ठीक है, इससे अच्छा है कि आप मर जाओ. इस तरह की ज़िंदगी से अच्छा है अगर आपने हर दूसरे हफ्ते बाद बीमार होने. जितना भी बीमार हो रहे हैं फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं. आई एम नॉट डाइंग एट लीस्ट. हम इस बारे में हम बात करेंगे. इट्स बिन 12 डेज, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई एंड आई मिस्ड यू गाइज. आई मिस्ड माई कैमरा, आई मिस्ड टॉकिंग टू यू गाइज, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं बात करने. बेहुला गाने को रिएक्ट करने वाले हैं बाय शूनो. या शूनो इज अ बंगाली बैंड फॉर्म्ड इन 2007. इसमें चार मेंबर्स हैं. इट्स अ रॉक बैंड, इट्स अ पॉप बैंड. उनका एक गाना है बेहुला विच वेंट वायरल लास्ट ईयर. बेहुला के बारे में हम बात करेंगे. बेहुला है क्या? इट्स फ्रॉम ए हिंदू मिथोलॉजी. एक फोक स्टोरी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. तुमको मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगी मगर मैं नाम को, नेम्स को इधर से पढ़ूंगी बिकॉज मुझे याद नहीं है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. बेहुला है क्या? दो गॉड्स, दो बहुत ही डिवाइन किस्म के, गॉड ही कह सकते हैं हम, दो डिवाइन बॉडीज जिनका नाम है अनिरुद्धा एंड उषा. ठीक है, अनिरुद्धा एक लड़का है और उषा एक लड़की है. उनको हेवन से नीचे भेजा जाता है बिकॉज ऑफ सम कर्स. कुछ मामला है, उनको भेज दिया गया है दुनिया में. दुनिया में क्या बना के भेजा गया है? एक जो इसमें अनिरुद्धा है वो लखिंदर है और उषा बेहुला है. ठीक है, तो एक लड़की है बेहुला और दूसरे लड़के हैं लखिंदर. डज इट लुक वियर्ड? बिकॉज पाकिस्तानी लोग मत देखें वीडियोज प्लीज. आई एम बींग वेरी सीरियस. इट्स इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर, इट्स इम्पॉर्टेंट स्टोरी बिकॉज सो मैनी पीपल फॉलो दिस स्टफ. बहुत ही ज़्यादा इंडियंस हैं, बहुत ही ज़्यादा हिंदू लोग हैं दुनिया में और बंगाली लोग हैं. एंड आई रिस्पेक्ट एवरी वन एंड आई हैव टू डू दिस. आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस. लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी. एक बेहुला है, लड़की है, दूसरे लखिंदर लड़के. बी प्रोफेशनल, कम ऑन, नो लाफिंग, नो जोक्स, नथिंग, नो नो. जो लुक्स वियर्ड बिकॉज आई हैव टू लुक एट द पेज. अच्छा, स्टोरी लखिंदर और बेहुला की है. दोनों हेवन से दुनिया में भेजे गए हैं और किनकी औलाद बना के भेजे गए हैं? इट्स लखिंदर इज़ अ सन ऑफ चांद सौदागर और बेहुला इज ए डॉटर ऑफ सेवन ब्लाबला. ओके, सेवन की बेटी हैं बेहुला और लखिंदर बेटे हैं चांद सौदागर के. दोबारा मैं ये नाम नहीं लूँगी. अच्छा, ये जो दोनों इनके फादर्स हैं चांद सौदागर और सेवन, ये दोनों एक एक स्टेट के बादशाह होते हैं, उस टाइम के एम्परर्स होते हैं. ठीक है, और इन दोनों का भी जो भी हिरार्की है गॉड्स की उसमें कुछ पोजीशन है. हमको नहीं पता, हमने गीता नहीं पढ़ी, हमें आई डोंट नो मच अबाउट हिंदुइज्म. सो बेसिकली दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ गॉड्स, गॉड्स के नीचे करके हैं. जो लखिंदर के फादर हैं चांद सौदागर, ही इज़ अ डिवोटी ऑफ शिवा. ठीक है, अब होता क्या है, इनकी दोनों के बेटे हैं, एक बेहुला है एक लखिंदर है, इनकी वो शादी करते हैं. ठीक, लड़ाई स्टार्ट कहाँ से होती है कि हिंदुइज्म में इज अ गॉडेस ऑफ स्नेक कॉल्ड मनसा. अब जो फादर है लखिंदर के, चांद जिनका नाम है, वो मनसा के सामने जाके कहते हैं कि आई एम बेटर देन यू, आई एम मोर इंटेलिजेंट, आई एम मोर पावरफुल, आई एम मोर क्लेवर. और उसके ही एक्चुअली बोस्ट इन फ्रंट ऑफ मनसा और मनसा को बुरा लग जाता है. अब क्या होता है कि जिस टाइम शादी होती है बेहुला की और लखिंदर की, मनसा एक सांप को भेजती हैं और बिल्कुल ही बाल के जितना पतला
उसकी एबिलिटी होती है सांप की, वो बाल के जितना पतला हो जाता है, क्योंकि शी इज़ द गॉडेस ऑफ स्नेक्स, तो वो स्नेक्स को कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है, उनकी पावर ही स्नेक्स के साथ काम करती है. अब इनकी शादी होती है. उस रात एक सांप किसी छोटे से सुराख से उनके कमरे में एंटर हो जाता है और लखिंदर को काट देता है, ठीक है, और लखिंदर की उधर हो जाती है डेथ. बेहुला अपने हस्बैंड लखिंदर की डेथ को एक्सेप्ट नहीं करती और वो डिसाइड करती हैं कि मैं इसको केले के पत्ते के ऊपर डाल के नदी में जाऊंगी और आई एम गना फाइंड द गॉड्स, आई एम गना गो टू द गॉड्स और आई एम गना अपील टू देम कि भाई मेरा हस्बैंड के साथ गलत हो गया या लेट्स ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ. अब वो अपने हस्बैंड को डालती हैं पत्ते पे और चली जाती है पानी में. और उनकी जो जर्नी होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, मगर वो उन सब, वो फिर लड़ाइयाँ भी हैं, वो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की स्टोरी है जिसमें वो सब चीज़ें फेस कर करके फाइनली शी रीचेस टू द गॉड्स और उनसे वो अपनी बात सामने रखती है. मनसा ही वापस कर सकती हैं क्योंकि मनसा ने ही उनको मारा है. तो वो उनको कहती हैं कि अगर आप मेरे हस्बैंड को वापस ले आती हैं तो जो इनके फादर हैं चांद, उनको हम कह के आप से हिल स्टार्ट वर्शिपिंग यू, हिल बाउ डाउन और वो माफ़ी मांग लेंगे आपसे, मगर आप लेट्स डू दैट, लेट्स फॉरगिव व्हाट हैपन. और मनसा मान जाती हैं, वो उनको लखिंदर को जिंदा करती हैं और ना सिर्फ लखिंदर को बल्कि लखिंदर के भाई को भी उन्होंने मारा होता है. वाह मनसा, नो लाफिंग. और फिर वो दोनों को जिंदा कर देती हैं और उस टाइम पे चांद ही बाउज डाउन इन फ्रंट ऑफ मनसा और उसके बाद से वो उनकी वर्शिप, ही स्टार्ट्स वर्शिपिंग मनसा फ्रॉम देयर ऑन. अब बेहुला रिप्रेजेंट्स बंगाली वुमेन हु आर वेरी डिवोटेड वाइव्स, हु आर वेरी केयरिंग, वेरी करेजियस, वेरी लविंग, हु लव देयर हस्बैंड्स, हु केयर अबाउट देयर हस्बैंड्स और एक बहुत ही पैशनेट, बहुत ही ब्रेव किस्म की खातून दिखाई हुई हैं बेहुला. ये स्टोरी वो है जो मुझे इंटरनेट से मिली है, डिफरेंट सोर्सेस से. अब आई हैव नो आइडिया इफ द सॉन्ग इज अबाउट बेहुला, दिस बेहुला, आई डोंट नो, लेट्स फाइंड आउट. आई एम एक्साइटेड, लेट्स डाइव इनटू द सॉन्ग. और इसकी एनिमेटेड किस्म की वीडियो है और इट हैज़ मोर देन इनफ व्यूज़. लेट्स डू इट, लेट्स हियर इट आउट. या